भारत की एकमात्र सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL जल्द ही अपने होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरे भारत में 4G सर्विसेज को लॉन्च करने वाली है। आपको आश्चर्य जरूर होगा कि आखिर BSNL सीधे 5G क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है, अभी कंपनी 4G लॉन्च क्यों कर रही है जबकि अन्य टेलीकॉम कंपनियां 5G की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर BSNL 5G सर्विसेज को लॉन्च करता है तो उसे 5G स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर के तहत 5G सर्विसेज को लॉन्च करना होगा। बता दें कि 5G स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर काफी महंगा होता है और इससे BSNL को ज्यादा लाभ भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन 4G कोर के साथ BSNL 5G नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर को तैनात कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से एक बेहतर विकल्प है। हाल ही में भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल मित्तल ने कहा है कि 5G नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर पूरे विश्व में उपयोग किया जा रहा है, इसे सस्ता और काफी कारगर भी माना जाता है। बता दें कि भारत सरकार जल्द से जल्द BSNL के 4G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए काम कर रही है। 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देके सरकार BSNL को सपोर्ट भी करना चाहती है। 4G बाजार में BSNL के प्रवेश से यह सुनिश्चित होगा कि निजी दूरसंचार कंपनियों को लगातार 4G सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा, नहीं तो BSNL उनके कस्टमर बेस को अपनी ओर खींच सकता है। वर्तमान समय में BSNL ऐसे टैरिफ प्लान प्रदान करता है जो निजी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ती है। हालांकि 4G लॉन्च करने के बाद BSNL अगर इसी तरह सस्ते प्लान प्रदान करती है तो ग्राहक सेकेंडरी सिम के तौर पर BSNL का उपयोग कर सकते हैं। हाल ही में भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BSNL कर्मचारियों को अपना सरकारी रवैया छोड़ने और समर्पित रूप से BSNL में काम करने के लिए कहा है। 1.64 लाख करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज के तहत 26,000 करोड़ रुपए BSNL के 4G लॉन्च के लिए प्रदान की गई है। बहरहाल BSNL अपने 4G सर्विसेज को जल्द से जल्द पूरे भारत में रोल आउट करने के लिए काम कर रही है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।